जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो गैलीलियो था उसने बोला कि परमेश्वर ने हमें मतलब दो किताबें दी है, एक बाइबल है और एक प्रकृति है। तो इस प्रकृति के द्वारा हम परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आज सच में हम इसी प्रकृति किताबों के परमेश्वर की किताबों के बारे में बात करने के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बाइबल को सच में नए नियम और पुराने नियम दो भागों में ऐसे बांटा गया है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और उसके बाद जो बाइबल रिकॉर्ड की गई उसको नया नियम कहा जाता है। तो इसको करीबन 100 साल के पीरियड में लिखा गया है। तो मतलब बाइबल में मतलब कोरियन भाषा में गी शब्द का प्रयोग जिन जिन बाइबल में किया गया है वो सब पुराने नियम की किताबें हैं। तो परमेश्वर की प्रकाशन को पाकर मतलब इन बाइबल की किताबों को लिखा गया है। और जो नई नियम की किताबें हैं तो उसमें रोमियो की किताब, कुरिन्थियों की किताब और इफिसियों, गलातियों, फिलिपियों, तो ये सारी मतलब किताबें जो हैं ये नए नियम का भाग है। तो मतलब इन किताबों की खासियत ये है कि इसको जैसे एक चिट्ठी के तरीके से लिखा गया है, तो लिखी हुई जैसे ये पत्रियां हैं, तो परमेश्वर की भेजी गई चिट्ठी इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। तो अगर आप बाइबल को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बाइबल को स्पष्ट रूप से अगर आप जान जाएं तो परमेश्वर जिंदा है, आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते। और अगर आप बाइबल को स्पष्ट रूप से जान जाएं तो आप परमेश्वर को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। तो ये बाइबल परमेश्वर के प्रकाशन से लिखी गई किताबें हैं जो परमेश्वर के सेवकों ने लिखी हैं। तो मतलब इनका स्पष्ट रूप से एक ऐतिहासिक सबूत भी है। तो जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जो पुराना नियम है वो 400 साल के पीरियड में लिखी गई, और इस बाइबल में बहुत सारे जैसे प्रकाशन हैं, तो मनुष्य के बारे में, शहर के बारे में, देश के बारे में और भविष्य के बारे में अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियां इसमें लिखी गई हैं। तो उन भविष्यवाणियों में सबसे जरूरी बात जो है वो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 5:29 में एक वचन बताया है। यूहन्ना 5:29 उसमें लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र की पुस्तकों में पढ़ते हो और ये सच में मेरे ही बारे में गवाही देती हैं। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब लाइक नया नियम नहीं था, तो नया नियम यीशु मसीह के मरने के बाद यीशु के चेलों ने लिखा है। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तब नया नियम नहीं था। तो यीशु मसीह जिसे इस वचन में पवित्र शास्त्र कह रहा है वो पुराना नियम है। तो लुका 5:29 में जो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन के भेदों को जानते हो, तो ये जो पवित्र शास्त्र है ये पुराना नियम है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये पुराना नियम भी मेरी गवाही देता है। तो चाहे पुराना नियम यीशु मसीह के पहले लिखा गया था, लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले मतलब यीशु मसीह के बारे में पहले से इसमें बताया गया है। तो
परमेश्वर के वचन में कुछ भी बात ऐसे अस्पष्ट नहीं है, हर बात स्पष्ट है। और यीशु मसीह का जीवन, उसका पुनरुत्थान और उसके विषय में विभिन्न बातें बाइबल में दर्ज की गई हैं। तो जो बातों बेन करके एक साइंटिस्ट था, तो उसने एक बाइबल के ऊपर एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा है। तो उसने बाइबल की सारे मतलब जो प्रोफेसीज हैं उसने उसको काउंट किया, मतलब उसको उसने चेक किया, और बार्टोन पेन के हिसाब से सारे जो भविष्यवाणियां हैं 1817 भविष्यवाणियां बाइबल में, और पुराने नियम में 370 हैं, और 300 मतलब 500 कुछ नए नियम में है। तो बाइबल का टोटल जो है उसका 27% भविष्यवाणियां है। और बाइबल की जो भविष्यवाणियां है वो क्लियरली मतलब हिस्टोरिकली मतलब पूरी होती चली आई है आज तक। तो अगर बाइबल के भविष्यवाणियों को हम पूरा होता हुआ जैसे हम देखते हैं, हम सच में ये महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है परमेश्वर जरूर उसको पूरा करता है। इसीलिए हम मतलब परमेश्वर की भविष्यवाणी के द्वारा समझ सकते हैं कि परमेश्वर सशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी बड़ी ताकत पे हम विश्वास किए बिना नहीं रह सकते। तो बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन टोटल हम 4 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आने वाला यीशु मसीह के बारे में, तो इज़राइल के भविष्य के बारे में, तो इस दुनिया के अंत में मतलब प्रकट होने वाले बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, और किसी देश के भविष्य के बारे में। तो बाइबल के केंद्र में जिसमें यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां हैं, तो बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, और बहुत सी आने वाली बातों के बारे में भी बाइबल में बहुत सारी प्रोफेसीज हैं, तो जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। तो उसमें से ज्यादातर मतलब यीशु मसीह के जीवन और यीशु मसीह की सेवकाई में पूरी हुई भविष्यवाणियां हैं। तो इस तो किसी मतलब इंसान का जो काम है उसके मरने के बाद मतलब उसके कामों की जैसे एक इवैल्यूएशन की जाती है, लेकिन यीशु मसीह के मामले में यीशु मसीह के जन्म से कहीं पहले ही उसके बारे में सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। उदाहरण के लिए यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले यशाया नाम का भविष्यवक्ता था। तो यशाया यीशु मसीह से 700 साल पहले उसने यीशु मसीह के जन्म के बारे में स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी। तो यशाया की किताब अगर हम देखें, यशाया की किताब 7:14 इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो 700 साल पहले यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यशाया ने आने वाले यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो यीशु मसीह एक कुमारी के गर्भ से जन्मेगा, तो ना केवल यशाया ने भविष्यवाणी की है। उत्पत्ति 3:15 में जब हम देखते हैं, तो उत्पत्ति जैसे बाइबल की सबसे पुरानी किताब है, यीशु मसीह के आने से 1500 साल पहले लिखी गई किताब है। तो उत्पत्ति 3:15 में जब हम देखते हैं वहां लिखा है कि स्त्री के बीज मतलब स्त्री का वंश
तो स्त्री के वंश का मतलब है कि पुत्र का वंश नहीं, औरत की देह से उत्पन्न हुआ यीशु मसीह, उसी को दर्शाता है। तो कोई भविष्यवक्ता यीशु मसीह को स्त्री का वंश कहता है और कोई भविष्यवक्ता उसको गर्भ मतलब कुमारी कुमारी का पुत्र कहता है। तो एक्सप्रेशन अलग अलग है लेकिन सेम, लाइक यीशु मसीह के जन्म के बारे में वो भविष्यवाणियां हैं। यशायाह 9:6 में जब हम देखते हैं तो वहां इस बारे में भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह मनुष्य की देह पहन के आएगा। यशाया 9:6 में यशाया हमको क्या बताता है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशाया 53 में तो यीशु मसीह कैसे हमारे क्रूस के हमारे पापों वाले क्रूस पे चढ़ेगा और कैसे क्रूस पे वो मतलब पीड़ा उठाएगा, उस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जैसे कि किसी ने उसे ऑलरेडी जैसे क्रूस पर चढ़ा हो देखा हो। तो पुराना नियम आने वाले यीशु मसीह के बारे में 300 से ज्यादा बार बताता है। तो और जैसा जैसा बताया गया वो एज इट इज यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ। तो मीका नाम का एक भविष्यवक्ता है जिसने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह बेथलहम में पैदा होगा। तो कोई मतलब दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पैदा होने से मतलब कितने 100 से भी ज्यादा 60 साल पहले, हजारों साल पहले उसके बारे में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हो। तो ऐसी किताब सिर्फ दुनिया में बाइबल है। तो अगर आपको इन भविष्यवाणियों पे शक है तो आप बाइबल को स्पष्ट रूप से पढ़िए और बाइबल की हिस्ट्री के हिसाब से आप चेक कीजिए प्रूफ। तो जब न्यायाधीश मतलब किसी केस को देखता है तो वह दोनों साइड की अपील सुने बिना लाइक मतलब फैसला नहीं सुना सकता। तो वो मतलब प्रोसिक्यूटर, वकील, जो अपराधी, सबकी बात सुनता है और सब बातें चेक करने के बाद वो न्याय सुनाता है। तो आप लोग भी, परमेश्वर जीवित है या नहीं है? तो आपके मन में क्या सच है? अगर आपको इसका न्याय करना है तो बाइबल आप एक बार अंत तक पढ़िए और बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं, बाइबल के जो ऐतिहासिक सबूत हैं और मसीही लोगों के जीवन में परमेश्वर की ताकत के जो काम हैं, अगर आप उसे एक एक करके चेक करेंगे तो आप परमेश्वर विश्वास किए बिना नहीं रह सकेंगे, आप बाइबल पे विश्वास किए बिना नहीं रह सकेंगे। और बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बारे में ना केवल भविष्यवाणियां हैं, इसराइलियों के भविष्य के बारे में भी बहुत सारी लाइक भविष्यवाणियां बाइबल में दर्ज हैं। तो बाइब अगर आप इसराइल हिस्ट्री को बाइबल के हिसाब से पढ़ेंगे तो आगे इसराइलियों के साथ क्या होने वाला है, जो मुश्किलें उनके ऊपर आएंगी और कैसे वो मतलब 2000 साल के बाद अपने देश वापस आते हैं, दोबारा से इसराइल देश की स्थापना होती है, वो सारी बातें पहले से बाइबल में लिखी हुई थी। तो 1930 में तो इंग्लैंड को के बारे में कहा जाता था कि ऐसा राज्य जहाँ कहीं सूरज नहीं डूबता। तो क्वीन विक्टोरिया राज करती थी। तो विक्टोरिया की के मतलब क्या कहते हैं, उसके राज्य में इंग्लैंड बहुत मजबूत देश था। तो उसके अंडर एक प्राइम मिनिस्टर था जो यहूदी था। तो एक दिन विक्टोरिया ने उस प्राइम मिनिस्टर से पूछा, तो आप यहूदी लोग परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर जीवित है उसका एक सबूत मुझे सबसे बड़ा सबूत क्या है आप बताइए। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला,
तो अगर आप केवल जूश हिस्ट्री और बाइबल को पढ़ लीजिए तो आप ये विश्वास के बिना नहीं रह सकेंगे कि परमेश्वर जिंदा है। ये बहुत मशहूर बात है। तो यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं, इसराइल देश के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं, तो इसराइल की हिस्ट्री के बारे में आपको विस्तार से नहीं बता सकता, टाइम की कमी है। तो लूका 21 या मत्ती 24 अगर आप ऐसी किताबों को पढ़ेंगे तो वो लोग मसीहा को इनकार करते हैं, मसीहा को लाइक क्रूस पे चढ़ा देते हैं, तो उनके ऊपर कितना भयानक श्राप आने वाला है उस बारे में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले यहूदियों के ऊपर जो श्राप आने वाला है वो एक्चुअली में हिस्ट्री में मतलब पूरा हुआ है। तो यहूदियों ने क्रूस पे यीशु मसीह को चढ़ा दिया। और तो रोमियो के द्वारा उनके ऊपर राज हुआ और फिर मतलब उनको पूरी दुनिया में बिखर जाना पड़ा। उनका देश उनके हाथ से निकल गया, जहां वो गए उनको तुच्छ माना गया, उनको मतलब और मतलब एक टाइम था जब एक बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई थी, तो उस बीमारी के फैलने का जो इल्जाम है वो यहूदियों पर लगाया गया था। तो यहूदियों को इसलिए हर देश ने मतलब नाश करना शुरू कर दिया था। तो फिर हिटलर के द्वारा उन्होंने इतने सताव को सहा। तो ये सारी चीजें ऐसी बाई चांस नहीं हुई हैं, तो जो दुष्टता उन्होंने की है मसीहा क्रूस पे चढ़ाने की, तो बाइबल के स्कॉलर्स बोलते हैं कि उनके ऊपर वो बुरा श्राप उस वजह से आएगा। तो यीशु मसीह जानता था कि वो क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा। और यहूदियों का रोमियो के हाथों नाश होगा ये ऑलरेडी यीशु मसीह बता चुका था। और यीशु मसीह के गुजर जाने के 40 साल के अंदर यरूशलेम पूरी तरीके से रोमियो के हाथ नाश हो जाता है। और इस दुनिया के अंत के दिनों के बारे में भी बहुत सारी प्रोफेसीज हैं। तो ये दुनिया अनंत काल की दुनिया नहीं है, इसकी शुरुआत है और इसका अंत है। और जब लास्ट टाइम आएगा, सबसे पहले बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, बीमारियां फैलेंगी, और सब लोग मतलब कंप्यूटर के द्वारा उनकी उनके उनको पूरी तरीके से जैसे चेक किया जाएगा, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और दानियल 2 अध्याय में लिखा है, तो दानियल जब बेबीलोन में बंदी बना के ले जाया गया था तो उसने परमेश्वर से एक भविष्यवाणी पाई कि ये बेबीलोन जो है ये दुनिया का चाहे सबसे मजबूत देश है लेकिन ये बर्बाद हो जाएगा। और तो आगे चल के पर्शिया नाम का देश उत्पन्न होगा। पर्शिया जो है वो आज का ईरान है। और उसके बाद एक ग्रीक्स का राज आएगा, और ग्रीक्स का जो पहला राजा है वो अलेक्जेंडर है। तो अलेक्जेंडर ने सच में पूरी दुनिया के ऊपर एक पॉइंट पे राज किया था, लेकिन वो अचानक से मर गया। और अलेक्जेंडर का जो देश था वो उसके बेटे के पास नहीं जाएगा और वो बंट जाएगा। ये चीज भी बाइबल में पहले से लाइक इसकी भविष्यवाणी थी। और जैसा मतलब बाइबल में भविष्यवाणी है, अलेक्जेंडर का जो देश है वो उसके बेटे तक नहीं पहुंचा, वो पूरा टूट के बिखर गया। और उसके बाद रोमन एम्पायर आया, और रोमन एम्पायर के बारे में बोलते थे कि ये पूरी कभी अनंत काल के नाश नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह ने लाइक उसके बारे में क्या कहते हैं भविष्यवाणी की कि वो खत्म हो जाएगा। और असलियत जैसा डैनियल की किताब में दर्ज है, हिस्ट्री बिल्कुल उसी दिशा में बह रही है। तो बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं वो क्लियरली लाइक पूरी हुई हैं। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर दूर मतलब भविष्य को बिल्कुल वर्तमान के समान देखता है, उसे जानता है और उस बारे में वो बताता है। तो परमेश्वर जो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताता है, जब उसे क्लियरली पूरा होते हुए देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इस दुनिया को पकड़ने वाला, इसको कंट्रोल करने वाला सच में परमेश्वर है। तो मैं चाहे स्वर्ग और नर्क गया नहीं हूं, लेकिन मैं क्यों विश्वास करता हूं?
정확하게 보고 미리 아시고 말씀하시는 분이고, 하나님이 선지자들을 통하여 말씀하신 그 말씀이 그대로 성취된 사실을 보면 인류 역사의 고삐를 쥐고 मान लो कि एक कोई क्या कहते हैं फोरकास्टिंग स्टेशन है जो वेदर फोरकास्ट करता है, तो मान लो अगर 1,000 साल के लिए वो फोरकास्ट कर रहा है और हमेशा मतलब फोरकास्ट सही निकलता है, इतना टेम्परेचर होगा, बारिश आएगी, नहीं आएगी, जो वो बताते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, तो कौन उन पे विश्वास नहीं करेगा? तो बाइबल ने मतलब 1,000 साल की हिस्ट्री को जैसे रिकॉर्ड किया है, क्लियरली जो जो भविष्यवाणी बाइबल में बताई गई है वो हिस्टोरिकली पूरी हुई है, एक को भी ना छोड़ते हुए एज इट इज, लाइक वो क्लियरली पूरा हुआ है। तो इसलिए हम कभी भी मतलब डिनाई नहीं कर सकते कि ये बाइबल सत्य है। दूर भविष्य को भी बाइबल एकदम प्रेजेंट की तरह देख लेती है। तो सच में भविष्य को देखने वाला वो परमेश्वर हमें पहले ही बताता है कि जिसके मन में पाप है वो नर्क में जाए बिना नहीं रह सकता, और जो पापों की क्षमा प्राप्त करता है, पापों से छुटकारा पाता है, वो स्वर्ग जाता है। तो फिर भविष्य में मतलब जैसा परमेश्वर ने बताया है वैसा हुए बिना नहीं रह सकता। तो लामेंटेशंस की विलाप गीत 2:17, उसका एक उसमें एक वचन है। हम अगर विलाप की 2:17 वचन देखते हैं, उसमें बताया गया है कि मतलब परमेश्वर आने वाली चीजों को जो का त्यों देखता है, और मतलब जो भी परमेश्वर ने बताया है वो पूरा हुआ बिना नहीं रह सकता है। यशाया 46 के 10 में अगर हम देखते हैं, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो वचन ऐसा हमें बताता है। तो आप लोग परमेश्वर की दिखाई हुई इस प्रकृति को देखिए, इस सृष्टि को देखिए और बाइबल को पढ़िए, तब आप स्पष्ट रूप से ये माने बिना नहीं रह सकेंगे कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है और परमेश्वर सच में इस दुनिया के इतिहास को पकड़े हुए है। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। तो परमेश्वर सच में बिल्कुल भविष्य की बातों को वर्तमान के समान देखता है और हमसे बातें करता है। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो पापों की क्षमा नहीं पाता वो अनंतकाल का नरक पाता है। तो फिर जरूर ऐसा होगा। तो हमें अपनी सोच को नीचे रख के परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है और अनंत जीवन पाना है, तब तो हम स्वर वचन के हिसाब से जा सकेंगे। तो ये चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर जरूर ऐसे व्यक्ति को अनुग्रह देगा। तो बाइबल के भविष्यवाणियों के बारे में अगर मैं बातें करता रहूंगा तो मतलब कितने दिन मुझे बोलना पड़ेगा, ऐसा कोई अंत ही नहीं है। तो आज मैं परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को बनाया और परमेश्वर मनुष्य की आत्मा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने इस दुनिया की हर चीज को बनाया है, लेकिन परमेश्वर के क्रिएशन का जो केंद्र है वो मनुष्य है। तो इस क्रिएशन का जो सबसे सुंदर फूल है वो मनुष्य है। तो परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया है। तो परमेश्वर ने और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। तो मनुष्य के अंदर एक आत्मा है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। तो मनुष्य शरीर और आत्मा दो चीजों से बना हुआ है। तो लोग अपने आत्मा में कोई रुचि नहीं रखते, वो केवल शरीर में रुचि रखते हैं। तो बहुत लोग हैं जो शरीर पे केंद्रित होके अपना जीवन देते हैं, जीवन जीते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखें तो शरीर से कहीं ज्यादा ज्यादा प्राथमिकता हमारे आत्मा की, हमारे प्राण की है।
तो हमारे मतलब एक रिसर्च सेंटर है जिसमें बेसिक साइंस को रिसर्च किया जाता है, हमारे हमारे देश में है वो सेंटर। तो उसके होम पेज पे मैंने एक बार पढ़ के देखा कि वो क्या है। तो 2017 में उनके होम पेज पे एक आर्टिकल आया हुआ था, तो उस आर्टिकल का टॉपिक था कि कोशिकाओं का लाइक फेट, जो कि जिनको मरना ही पड़ेगा। तो एक बार जब कोई सेल्स मर जाते हैं तो वो दोबारा लाइक म्यूटेट करके नए सेल्स को उत्पन्न करते हैं। तो मतलब पुराने सेल की जगह पे हमेशा नया सेल आगे चल के आ जाता है। तो एक साल के टाइम पीरियड के अंदर मतलब इंसान के सारे सेल्स मरते हैं और फिर नए बन जाते हैं। तो ऐसा एक आर्टिकल आया हुआ था। तो हमारे देश में ये जो कोशिकाएं हैं तो 1 महीने के लिए वो जीती हैं और फिर वो मर जाती है, और मतलब नए सेल्स बनते चले जाते हैं। लेकिन साइकिल हमारे बॉडी में चलता रहता है। तो हमारे बॉडी के सारे सेल्स कम से कम मतलब 1 साल के अंदर वो मरते हैं और दोबारा मतलब नए बन जाते हैं। तो जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं वो ये तो क्या बोलते हैं कि 1 साल पहले हमारे शरीर में जो था असलियत में वो नहीं है, वो मतलब वापस से उत्पन्न हुआ है। तो अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो आज जो मैं इहानगी हूँ वो 1 साल पहले नहीं था। तो हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी है तो वो लाइक खत्म हो गया है और नए में बदल गया है। लेकिन लोग मुझे फिर भी इहानगी ही बोलते हैं। हमारा शरीर लाइक बदलता जा रहा है। तो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उसका एक एक बड़ा हिस्सा लाइक रोज मरता है और रोज नया जन्म लेता है। तो ऑन एन एवरेज लाइक 33 लाख सेल्स हमारे बॉडी के रोज मरते हैं और रोज मतलब नए बनते हैं। लेकिन ये तो भी मतलब लोग मुझे निरंतर मेरा नाम नहीं बदलते, मुझे ईहान क्यों ही बोलते हैं। तो मेरे बॉडी में आज जो सेल्स हैं, एक्चुअली 1 साल पहले मेरे बॉडी में उनसे एक भी सेल नहीं था। तो ये सारे सेल्स नए हैं। तो 1 साल पहले जो मेरी देह थी वो मतलब बिल्कुल नई देह है अब जो मैंने मैंने पहना हुआ है। लेकिन फिर भी लोग मुझे ईहान क्यों पास्टर ही बोलते हैं। तो ये शरीर जो मैं बदलता जो मेरा शरीर बदलता जा रहा है उसमें एक चीज है, एक दूसरी दुनिया है जो कभी नहीं बदलती। तो मेरा माइंड, मेरा आत्मा, मेरा मन, मेरी मेमोरी, मेरा दिमाग, मेरा मतलब जो मेरा द मतलब मेरा वो भाग जो आंखों से दिखाई नहीं देता वो नहीं बदलता। तो एक इंटरनल आदमी है, एक अंदरूनी मनुष्य है जो नहीं बदलता। तो बदलने वाले शरीर के अंदर ना दिखाई देने वाला एक मैं है जो नहीं दिखाई नहीं नहीं बदलता। तो शरीर चाहे बदलता है और मतलब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन जो मेरा ना दिखाई देने वाला भाग है, जो मेरा प्राण है, मेरा आत्मा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो क्योंकि हमारा आत्मा अनंत काल की दुनिया से आया है इसलिए वो अनंत काल की दुनिया में लौट जाएगा। तो मेरा प्राण या तो नरक जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो वो प्राण मेरा आत्मा हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि वो अनंत काल की दुनिया से आया है। तो पहले कुरिन्थियों किताब में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने कहा है कि आंखों से दिखाई देने वाली जो दुनिया है वो थोड़े समय की है और ना दिखाई देने वाली दुनिया अनंत काल की है। हमारी आंखों से जो भी हमें दिखाई देता है वो अनंत काल के लिए नहीं है। तो
हमारा एक्सपीरियंस, हमारी फीलिंग्स, हमारा जो कुछ भी है वो बहुत है, लेकिन असलियत में ना दिखाई देने वाली दुनिया ज्यादा जरूरी है। मत्ती 16 के 26 वचन को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मनुष्य चाहे पूरे मतलब पूरी दुनिया को जीत ले और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या फायदा होगा, यदि मनुष्य सारी जगह को प्राप्त करके अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो अपने प्राण के बदले मनुष्य क्या देख सकता है, तो इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है हिज ओन सोल, मतलब अपना प्राण। तो पूरी दुनिया को जीत कर वह अपने प्राण को अगर खो देगा तो क्या फायदा उसका होगा। तो इसीलिए काफी लोग बोलते हैं कि एक प्राण पूरी दुनिया से ज्यादा बहुमूल्य है। तो ये जो अनंत काल शब्द का मतलब है, तो लोग इसे अनंत काल भी कहते हैं। तो बाइबल इसे आत्मा और प्राण को अलग अलग करना भी बताते हैं। तो मनुष्य के पास आत्मा है और शरीर है। मनुष्य को लाइक एक आत्मिक जन बताया गया, एक आत्मिक जंतु बताया गया, क्योंकि उसके पास आत्मा है। तो मनुष्य जब मर जाता है तो उसके आत्मा के सामने तो हमें ये पता है कि मनुष्य के पास आत्मा है। तो मतलब तो बुसान में एक वॉर सिमेट्री है, वहां पे मतलब एक जगह है जहां पे हम लोगों के प्राण के लिए से विलाप करने की जगह है, उसे ऐसा कहा जाता है। तो एक सोल में एक जगह है जहां पे एक और टॉप बनाया गया है जहां पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, वहां उस हादसे में मरे हुए लोगों के बारे में विलाप किया जाता है। तो मरे हुए लोगों के लिए विलाप करने की जगह, ऐसी दो जगहें हैं कोरिया में। तो मतलब बहुत साल पहले भी लोग इस बात को जानते हैं कि आत्मिक दुनिया और शारीरिक दुनिया अलग है। तो एक इंस्पिरेशन शब्द होता है। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, आत्मा से प्रभावित होना। तो आत्मा शरीर और प्राण का रिलेशनशिप क्या है, तो हमारे पास या जब हम फोन या कंप्यूटर को देखते हैं तो एक कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ये जो बाहरी रूप से जो केस है ये हार्डवेयर है, और इसके अंदर जो है जो सीपीयू है, मेमोरी है, वो सारी चीजें वो सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर वो चीज है जो असलियत में इस हार्डवेयर को चलाता है, इस हार्डवेयर को काम कराता है। तो इसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो चीजें होती हैं। तो सॉफ्टवेयर को भी दो चीजों में डिवाइड किया जा सकता है कंप्यूटर की भाषा में। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर होता है। तो जो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को ऑन कराने के लिए और ठीक तरीके से काम करवाने के लिए प्रोग्राम है। तो लेकिन सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो दूसरी ओर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंसान अपने आप लाइक चुनाव करके यूज करता है, ठीक है मुझे अपने कंप्यूटर से ये काम कराना है तो मुझे ये सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उस प्रकार से वो चुन के उसे यूज कर लेता है। तो जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार इंसान के अंदर शरीर है और शरीर के अंदर इंसान का प्राण है। तो ये प्राण जो है ये प्राण आत्मा दो चीजों से बना हुआ है।
तो जैसे कि कोई भी चीज का एक कवर होता है, जैसे अंडा है उसका छिलका है, उसके अंदर असली चीज है, और जैसे अंडे के अंदर व्हाइट पार्ट होता है और येलो पार्ट होता है, उसको आप दो में डिवाइड कर सकते हैं। तो छिलका, व्हाइट पार्ट, येलो पार्ट, तीन चीजें। उसी प्रकार इंसान के पास शरीर है, प्राण है और आत्मा है। तो प्राण, आत्मा क्या है? आत्मा हमारा वो भाग है जो परमेश्वर के प्रति रिएक्ट कर सकता है, परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकता है। जो जानवर होते हैं उनके अंदर आत्मा नहीं होती, तो इसलिए उनके पास आत्मिक कोई इच्छा नहीं होती, तो उनके पास कोई रिलीजियस वैल्यूज नहीं होती, क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं है। तो क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं है, इसलिए वो आत्मिक काम नहीं करते, आत्मिक इच्छा नहीं रखते। तो जानवर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता, कभी किसी को, किसी देवता को बलिदान नहीं देता। आपने कभी ऐसा देखा है? तो इस दुनिया में कितने सारे जानवर हैं, तो जानवरों के पास कोई रिलीजियस एफिलिएशन नहीं होता, मतलब वो धर्म नहीं मानते कोई भी, या किसी भी देवता, किसी भी परमेश्वर को याद नहीं करते, या उनके प्रति कोई मन नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है, इसलिए उनके पास आत्मिक इच्छा नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर आत्मा है, इसलिए किसी, आप डेवलपिंग कंट्री में जाइए, किसी गरीब देश में जाइए, अमीर देश में जाइए, हर देश कोई ना कोई एक, मतलब एक भगवान, एक देवता, किसी परमेश्वर को ढूंढ रहा है। तो मैंने एक बार इंटरनेट में ढूंढा कि इस दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं, 85% के पास रिलीजन है, मतलब कोई ना कोई धर्म है। वो कुछ भी विश्वास करें, लेकिन एनी हाउ वो देवता, किसी परमेश्वर, किसी प्रभु को खोजते हैं। जैसे अमेरिका में ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, और सेंट्रल एशिया में मुस्लिम्स हैं, तो किसी भी चीज पर विश्वास करें, लेकिन विश्वास जरूर करते हैं। तो धर्म का एक कॉमन पॉइंट है। तो धर्म असलियत में शरीर से जुड़ी हुई चीज नहीं है, आत्मा से जुड़ी हुई चीज है, और हर धर्म आत्मा पे विश्वास करता है। और दूसरा, हर धर्म बताता है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, मरने के बाद एक दुनिया है, तो एक दूसरी दुनिया भी है। इसलिए जब मनुष्य मरता है तो हम बोलते हैं कि वो गुजर गया, वापस, मतलब कोरियन भाषा में बोलते हैं वापस चला गया, इसका मतलब जहां से आया है वहां पे चला गया। तो कोई जगह है जहां से मनुष्य आया है, वहां वो लौट के जाता है। तो जहां से आए हैं वहां हमें वापस जाना है, इसलिए कहां से आए जानना जरूरी है। तो ये शरीर मिट्टी से आया है और ये मिट्टी में लौट जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा अनंत काल के परमेश्वर से आया है। जब हमारा प्राण आत्मा अलग हो जाए, मतलब प्राण शरीर अलग हो जाएगा, तो हमारा आत्मा है उसे परमेश्वर के पास लौट के जाना है। तो जब हमारा आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा तो उसका न्याय होगा। तो इब्रानियों 9:27 में क्या लिखा है कि एक बार मरना हर मनुष्य के लिए नियुक्त है और उसके बाद न्याय है। तो लोगों को मरना तो मतलब दिखाई देता है, इसलिए विश्वास करते हैं, हाँ हाँ सब लोग मरते हैं, हम भी मरेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कितने लोग मर रहे हैं। तो एक बार मरना सबके लिए फिक्स्ड है, लेकिन एक बार उसके बाद ही दुनिया भी आएगी। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बाद न्याय है। तो जिन लोगों के मन में पाप है, वो लोग अनंत काल के नरक में जाते हैं, लेकिन जो अपने पापों से आजादी पाता है, वो अनंत काल का जीवन पाने के लिए स्वर्ग जा सकता है। बाइबल हमें ये बता रही है। तो बाइबल धर्म का तीसरा कॉमन पॉइंट क्या है? जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो खत्म नहीं है सब कुछ, जरूर हमारे पाप का न्याय होना जरूरी है। तो आज एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने प्राण, अपने आत्मा में रुचि नहीं रखते, बिल्कुल इसके बारे में अनजान होकर जी रहे हैं। उनको वचन का कोई होश नहीं है, अपने आत्मा का कोई होश नहीं है। लेकिन अगर आप एक उद्धार पाए, अगुए को मिलेंगे और उसे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो आपका आत्मिक एक होश वापस लौट के आ सकता है, आपकी आत्मा पुनर्जीवित हो सकती है। तो जब हमें सुई चुभती है तो हमें दर्द होता है,
जब हमें आग लगती है तो हमें जलता है, उसी प्रकार जब हम पाप करते हैं तो हमारे मन में दुख महसूस होता है, डर लगता है और परमेश्वर की दया और अनुग्रह को मांगने का मन जरूर हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो आज बहुत सारे लोग पाप के विषय में जैसे अपने होश को खो बैठे हैं। तो भजन संहिता 19 के 7 और 8 को अगर हम पढ़ते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं, यहोवा की आज्ञा निर्बल है, वह आंख में ज्योति ले आती है। तो अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आपकी आत्मा अपने आप खुश हो जाएगी और परमेश्वर की जो नियम है वो साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं और उसके उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं और हमारी आंखों में ज्योति ले आते हैं। तो शरीर हमें चाहे दिखाई देता है लेकिन हमारा प्राण हमें दिखाई नहीं देता। तो जो अगर आप आइसबर्ग को देखेंगे जो समुद्र के ऊपर होता है, तो उसमें से मतलब 10% दिखाई देता है लेकिन उसका 90% जो है वो पानी के अंदर होता है, दिखाई नहीं देता। तो जो हमें दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा वो भाग है जो नहीं दिखाई देता। तो ये शरीर की दुनिया से वो आत्मा की दुनिया वो कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा बहुमूल्य है और जरूरी है। लेकिन लोग शैतान से धोखा खाकर अपने प्राण में, अपने आत्मा में कोई रुचि नहीं रखते, केवल शरीर की इच्छाओं के पीछे चल के जीते हैं और शरीर की इच्छा के पीछे चल के बर्बादी के मार्ग पे चले जाते हैं। तो मान लो हमारे प्राण, हमारे आत्मा की फोटो लेने वाली अगर कोई कैमरा होता तो फिर पता चल जाता। डिकन आपके मन की एक बार फोटो खींच के देखते हैं, डिकन आपके मन में पाप है या नहीं हम चेक करते हैं। एक बार आप कैमरा के सामने खड़े हो जाइए और कैमरा से फोटो खींच के डिकन आप डिकन बन गए हैं, लेकिन आपके मन में पाप है, आप कैसे डिकन बन गए? इस पाप को धोना जरूरी है। हम बता पाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा कोई कैमरा नहीं है। यरमिया 17:9 वचन को जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो मैं यहोवा मन को खोजता हूँ, हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो मनुष्य का मन सचमुच में गंदा है, बहुत घिनौना है। इसीलिए मनुष्य के मन को अगर देखा जा सकता तो जैसे पति पत्नी भी आपस में साथ में ना रह पाते, तो अगर इंसान एक दूसरे के मन को देख पाता तो मतलब मनुष्य एक दूसरे के मन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम उसके वचन के द्वारा अपने प्राण के रूप को पहचान सकें। तो अगर हमें अपने प्राण के रूप को पहचानना है तो परमेश्वर के वचन के सामने हमें अपने आप को देखना, अपने आप को समझना जरूरी है। तो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पाप के साथ कभी नहीं रह सकता। तो यूहन्ना 9:31 में क्या लिखा है कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता, केवल धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उसकी प्रार्थना का जवाब देता है। तो भजन संहिता में भी यही वचन लिखा है कि हमारे मन में अगर आप हम पाप रखेंगे तो परमेश्वर हमारी बात को, हमारे प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। तो यशाया की किताब 59:2 में लिखा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वह सुन ना सके या वह हमारे प्रार्थना का जवाब ना दे सके, लेकिन तुम्हारे पापों ने उसके मुंह को तुमसे ऐसा मोड़ लिया है कि वह नहीं सुनता। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें बचा नहीं सकता या हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता, लेकिन असलियत में हमारे पापों की वजह से वो हमारी सुन नहीं पाता। एक होशिया की किताब है, पुराने नियम होशिया का आखिरी अध्याय, आखिरी वचन अगर हम पढ़ें, होशिया 14:9, माजिमाक चरल बोमें 14:9।
누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으며 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐? 여호와의 도는 정직하니 의인이라야 그 도에 행하리라. 그 बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उन्हें ठोकर खाकर गिरेंगे। तो इब्रानियों की किताब में भी लिखा है कि यहोवा सच में पापियों से दूर रहता है। तो पापी वो है जिसका परमेश्वर कोई मतलब नहीं है, कोई नाता नहीं है, कितना भी कोई प्रार्थना कर ले परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा। तो सबसे पहला पाप जो मतलब हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, उसको जानना जरूरी है। और परमेश्वर सच में पाप जब से हम छुटकारा पाते हैं तभी वो हमारी प्रार्थना सुनता है। तो पाप क्या है? तो इंग्लिश में पाप को सिन कहा गया है। तो क्यों इंग्लिश में पाप को सिन कहा गया है? बहुत साल पुराने की बात है, कोई एक लाइक तीर कमान चलाने वाला व्यक्ति था। तो साइड पे एक व्यक्ति उसके तीर पकड़ के बैठा रहता था, और नहीं मतलब क्या कहते हैं, एक झंडा लेके एक व्यक्ति बैठा रहता था। जब जब कोई तीर कमान चलाने वाला निशाना लगाता था तो वह मतलब उस झंडे को नहीं उठाता था, लेकिन जब वो अपने निशाने से चूक जाता था तो वो अपने झंडे को उठा लेता था। तो उस झंडे के ऊपर SIN लिखा हुआ था। तो मतलब कि पाप क्या है, तुम मतलब जो तुम्हारा निशाना जहां लगना चाहिए वहां से चूक जाना। तो परमेश्वर के वचन से चूक जाना, परमेश्वर के वचन से भटक जाना, दूसरी दिशा में चले जाना। तो परमेश्वर ने जो मनुष्य को जीने का मकसद दिया, उस मकसद से भटक जाना, वो पाप है बाइबल के अनुसार। तो पाप शब्द का लिटरल मतलब है मकसद से भटक जाना, तुम्हारा मतलब जहां निशाना लगना था वहां से भटक जाना। उत्पत्ति 3 को जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? तो तुम हर पेड़ के फल को खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है तुम उसको मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसको खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। तो परमेश्वर ने आदम से कहा कि हर पेड़ का फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो क्या कहते हैं, भले और बुरे के ज्ञान का फल है उसको अगर तुम खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। तो परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाने से मना किया? क्योंकि जो भले और बुराई की सही बुद्धि है वो केवल परमेश्वर के पास है। क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, केवल परमेश्वर खुद उसे जानना चाहता था। तुम्हें उस जानने की जरूरत नहीं है। मैं अगर किसी चीज को अच्छा बोल रहा हूँ तो तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए, मैं अगर किसी चीज को बुरा बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए बुरा होना चाहिए। इसलिए तुम मतलब मुझसे सुनो, मेरे स्तर के हिसाब से चलो, मेरी बात पे विश्वास करके रहो। तो भलाई और बुराई को पहचानना केवल परमेश्वर का अधिकार है। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ कि भला है तो वो भला है, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ कि बुरा है तो वो बुरा है। तो यरमिया 29:23 में क्या लिखा हुआ है? तो क्योंकि उन्होंने तो उसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ, यहोवा की ये वाणी है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जानने वाला और गवाही देने वाला मैं हूँ, ये सही है ये गलत है वो केवल मैं जानता हूँ, तुम्हें केवल मुझे मेरी कही हुई बात को स्वीकार करना है। तो भले और बुरे के ज्ञान के फल को तोड़ के मत खाना, इसका मतलब क्या है? तुम मेरी बात से दूर मत जाना, तुम मतलब मेरे से अलग भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत रख, मतलब स्तर को मत रखना, मुझसे अलग स्तर को मत पकड़ना। तो दूसरे शब्दों में तो तुम्हारा सोच तुम्हारा न्याय उस पर विश्वास मत करना। तो मेरे मन से या मेरी बात से ज्यादा ऊपर अपनी सोच या अपने मन को मत रखना।
मुझसे ज्यादा अपने आप पे भरोसा मत रखना। तो तुम्हें मालिक की पोजीशन में नहीं रहना है, परमेश्वर असलियत में हमें ये बताना चाहता है। तो मेरा बेटा हेईटी नाम के देश में मिशनरी है, तो कुछ साल पहले तो मैं अपने पोते पोतियों को लेके आया था। तो मतलब जैसे मैं उनके मतलब नानी के घर उनको ले गया। तो बहुत साल के बाद जैसे मेरा बेटा अपने परिवार रिश्तेदारों से मिल रहा था और सब लोग पूछ रहे हैं हेईटी में तुम कैसे रह रहे हो, वहाँ पे कैसा है। तो चाय पीते पीते फ्रूट खाते खाते बात कर रहे थे। तो मेरी बहू अचानक से बाहर गई और उसने क्या देखा, मेरी जो पोती है, मतलब एक पोती है, दो पोते हैं मेरे, मेरी जो पोती है तो कुत्ते के खाने के बर्तन में खाना पड़ा हुआ था, मीट और चावल, मेरी वो उठा के खाने लगी। तो मेरी बहू चिल्लाई, नहीं वो तेरे लिए नहीं है, वो कुत्ते का खाना है, मत खाओ, फिर वो चिल्लाने लगी। लेकिन मेरी जो मेरी जो पोती है उसको उनको मतलब मीट वगैरह हेईटी में खाने को मिलता ही नहीं है, इसलिए उसने उसे बाहर जब ऐसे मीट और मतलब चावल देखे कुत्ते के खाने के बर्तन में तो उसे लगा कितनी स्वाद चीज है। तो वो मतलब पागल की तरह से खाते जा रही है और मेरी बहू मतलब चीखने लग गई, हनल रुक जाओ, ये नहीं खाना है। तो माँ के पास जो स्तर है और बच्चे के पास जो स्तर है वो बिल्कुल अलग है। तो माँ के हिसाब से वो बहुत गंदा चीज है, कुत्ते का खाना है, लेकिन मेरी मेरी पोती की नजरों में वो कितनी अच्छी चीज है, सफेद चावल है, मीट है, क्यों नहीं खा सकते उसको। तो परमेश्वर भी सच में भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना। परमेश्वर ने क्यों हमें बोला कि मेरे से अलग स्तर तुम मत रखना, मेरी बात मेरे न्याय से अलग बात, अलग न्याय पे विश्वास मत करना, तुम खुद अपने मालिक मत बनना। मेरी बात से ज्यादा अगर तुम अपने न्याय को ऊंचा उठाओगे तो वो पाप हो जाएगा, वो घमंड हो जाएगा, तो वो मूर्खता हो जाएगा। तो परमेश्वर जिसे पाप कहता है वो खून या मतलब किसी का व्यभिचार ये सब नहीं है। मतलब मूल रूप से पाप क्या है, परमेश्वर के वचन से अलग सोच रखना, परमेश्वर के वचन से अलग अपने न्याय पे विश्वास करना, वो पाप है। तो हमारा जो पूर्वज आदम और हव्वा थे तो शैतान की आवाज को सुन के, शैतान से धोखा खा के, हाँ परमेश्वर ने जो तुम्हें खाने के लिए मना किया है जब उन्होंने उसको खा लिया तो परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उसको खाओगे अवश्य मर जाओगे। तो आदम और हवा ने जब भले और बुरे के ज्ञान के फल को खा लिया तो तब से उनके ऊपर मृत्यु आ गई। तो रोमियो 5:12 में क्या लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आ गया और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आ गई। रोमियो 6:23 में क्या लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो बाइबल में दो मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। तो प्रकाशित वाक्य 20:13-14 या फिर प्रकाशित वाक्य 21:8 में दूसरी मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। तो दूसरी मृत्यु का मतलब है कि पहली मृत्यु भी है। तो पहली मृत्यु क्या है, ये शरीर के अंदर जो हमारा प्राण है ये शरीर से अलग हो जाए। तो ये मतलब जनरल डेथ जिसको हम बोलते हैं, हमारा शरीर और प्राण अलग हो जाना, और हमारे आत्मा का मरना दूसरी मृत्यु है। तो हमारा प्राण जो शरीर से अलग है वो परमेश्वर के सामने जब उसका न्याय होगा और पाप की वजह से जब वो अनंत काल की मृत्यु में चला जाएगा तो वो दूसरी मृत्यु है। प्रकाश वाक्य 20:14 में क्या लिखा है, मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले वे आग की झील में डाला गया। तो ये दूसरी मृत्यु आग की झील में डाला जाना है। तो क्यों हमें पापों की क्षमा पाना जरूरी है, क्यों उद्धार पाना जरूरी है,
क्योंकि पाप का जो परिणाम है वो बहुत ही डरावना है। तो आप विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर ने बता दिया कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो पाप की मजदूरी परमेश्वर के हिसाब से मृत्यु है। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ऐसे करके लिखा है। तो वेजेस ऑफ सिन लिखा हुआ है, मतलब सिंगुलर वर्ड है, बहुवचन नहीं है। तो वो एक बाइबल स्कॉलर बताता है कि वो बहुत जरूरी बात है, बहुत सारे पापों की वजह से लाइक मृत्यु आएगी ऐसा नहीं है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मतलब सिर्फ एक पाप, पापों की मजदूरी नहीं, एक पाप की वजह से इंसान अनंतकाल के नरक में जाएगा, एक बाइबल स्कॉलर ऐसे समझाता है। तो यीशु मसीह जो क्रूस पर, जब क्रूस में चढ़ाया गया, तो यीशु मसीह के साथ दो अपराधी क्रूस पर चढ़ाए गए थे। तो यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की। तो यीशु मसीह ने और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज के लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह मृत्यु के सामने खड़ा था, तो न्याय के सामने खड़े हुए इन 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 डाकुओं के लिए प्रभु ने क्या मांगा कि मरने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। तो पापों की क्षमा सबसे जरूरी चीज है। तो धन्यवादी रूप से जब एक डाकू ने यीशु मसीह को अपने लिए प्रार्थना करते देखा, उसने अपना मन बदला और यीशु मसीह के न्याय को उसने स्वीकार किया। और उसके भविष्य में लिखा गया है कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। नीति वचन 14:9 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। तो परमेश्वर किस व्यक्ति को मूढ़ कहता है, जो मतलब पाप को हल्के रूप से लेता है। तो अगर आप, आपको कैंसर होगा, आप कैंसर का इलाज नहीं कराएंगे तो आप मर जाएंगे। तो आपके मन में अगर पाप है, अगर आप उस पाप को सुलझाएंगे नहीं तो आप मर जाएंगे। तो आज बहुत सारे लोग पाप से डरते नहीं है, पाप की वजह से दुखी नहीं होते। इस पाप से हम कैसे आजादी पाए, कैसे पापों की क्षमा पाए, इस बारे में नहीं सोचते हैं। तो बहुत लोग ऐसी दशा में हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने पापों को मानेंगे और परमेश्वर से अंगीकार करेंगे कि वे आपको अनुग्रह दे और परमेश्वर आपके सारे पापों से आपको छुटकारा दे, आपको उद्धार का आशीष दे सके। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद।